तु बख्याम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जे एंड के आज बोमवार अक्तूबर के रतुक आज ओम तख शम तरख सॉरी अगर इस्लामी कैलेंडर कथ करो इस्लामी कैलेंडर मुताबिक आज तो तो चौदह हिजरी के सफर रतुक अरदेम तरख ये वमीद ये आश तु सारी यात्रु सलामत नये सुबह गाश स्याधा, स्याधा तो दिलस मच आश तार सारनी सठा सैठा मुबारक मैं तु तुक पहत ठीक اچھا تو اندی رتی سیات خاطر پر سات اللہ تعالی دعا منگان تو تیم دوس یم کن تی وجہ کین سیات کس معاملس من اجز ش اجزی ہنس کیفیت یمن ش اللہ تعالی سم گوز تو اند معاملات گسن بہتر تو اند معاملات درست درس اللہ تعالی کین تو سیات دولت عطا اللہ تعالی کین سائر نی سیات دولت عطا سکون ش سیات

कब बुड़ मकाम हासिल कम्स बैन नौजवान लड़कन कौर इन्नपिशन मिलान्च युक्त महमान अजक प्रोग् मुला तला जरूर प्रोग्राम आगा जान् मौकी हैल वा ताम मगर त्रोह से तो अपडेट्स मौमक हवाले या नैशनल हाईवे कौमी शहरा तिन्द हवाले तो अपडेट्स वान आज ताम नाजमा दम दम कोर्मस दमन आए दम दम कोर्मस दमन आये प्रजलेम दीप नवे नवे तो ननेम जात अंदुम प्रकाश नबर छोटुम झोटुम ग गट रोटुमस तप सुबु बखैर असल उ नवि दुहक नवहक नो गाश हमीद नाश हि मेजबान तुदस खदमत महजिर तुद पसंदीद ब्रकफफ हैथ यहा नाव ग गुड मॉर्निंग जे एंड के नवि सुबह आगाज करो यमी दुआ सतिक ذیا الله تعالی فرمایوین سن مشکلات ته آسان امين اسی کډین مشکلات ته پریشانی هیزه میګټمس تاسو خووین نو صبح خو نو خوشی ته نو شهدمینین هود نو پرکار امين یا رب العالمین ناظرین محترم فرماتې حضرت علی کرم الله تعالی وچھو जो उम्मीद शख्स होता है वो हर परेशानी में हर मुश्किल वक्त में जो है परेशान रहता है और नाउीदी की वजह से जो है अच्छा मौका गवा देता है जबकि एक उम्मीद शख्स जो होता है हर मुश्किल में एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है उस मुश्किल से बाहर आने की कोशिश करता है यानी कि एक जो अच्छा इंसान होता है जो पुर उम्मीद इंसान होता है बाहिमत इंसान होता है वो मुश्किल पर डिस्कशन नहीं करने लग जाता बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है जबकि एक नाउमीद शख्स जो होता है उसी प्रॉब्लम में अटका रहता है जबकि उस मुश्किल का जो दूसरा पहलू होता है उस मुश्किल से निकलने का रास्ता होता है हो सकता है वो उस इंसान के लिए एक खुशी का बायस भी हो क्योंकि हमें नजर नहीं आती बहुत सी चीजें लेकिन उस प्रॉब्लम नाउमीदी दुनिया कायम है, कि कुफर है, और पे है। आ, आप बिल्कुल सही फरमा रही है वैसे भी अगर हम देखें मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती मंजिलों को तलाश करना पड़ता है और एक दफा आपने मंजिल को हासिल करने की ठान ली आपके इरादे मुसम्मम हों आपके इरादे मजबूत हों तो कोई आपको मंजिल हासिल करने से नहीं रोक सकता है दूसरी तो बात ये भी कि कुछ लोग बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं कि घर से निकलते ही उन्हें मंजिल हासिल होती है लेकिन कुछ लोगों को एक तवील सफर तय करना पड़ता है और उसके बाद मंजिल हाथ आती है इसमें यह बात बहुत ज़रूरी है कि इंसान की जो हिम्मत है वो कभी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए हालांकि हम ये जानते हैं कि जब सफ़र थोड़ा मुश्किल हो कठिन हो तो कभी कभार आप इरादे जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं लेकिन तब आपको अपने आप में मजबूती रखने हैं आपको अपने इरादों में मजबूती रखनी है तब जाकर ही आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं और दूसरी अहम बात जो एक शायर के शेर की सूरत में हम अपने नाजीन तक पहुँचाएंगे बकौली शायर के इरादे जिनके पुख्ता हों नजर जिनकी खुदा पर हो तला तुम खैज मौजू से वो घबराया नहीं बिल्कुल और असर ऐसे ही कहते हैं ना कि हर एक तूफान तबाही मचाने नहीं आता बल्कि कुछ तूफान हमारे रास्ते पर पड़ी रुकावटों को साफ करने आता, आता है तो इसी पॉजिटिविटी इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम शो को आगे बढ़ाते हैं आप तक पहुंचाते हैं कुछ अपडेट्स कौमी शहरा की अगर हम बात करें जो ट्रैफिक हुकाम से हमने रबता किया था उस मुताबिक जो हमें अपडेट मिली है जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर आज ट्रैफिक को एक चलने की इजाज़त होगी यानी कि आज सिर्फ छोटी गाड़ियों को लेकिन ये इरादा घर में ही आप करके निकलें कि आपको कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकना है आप एक बैग साथ लेकर जाएं, वो गाड़ी में रखें उसी में कूड़ा जमा करें और उसके बाद जब कहीं पर आपको डस्टबिन नजर आता है तो उस डस्टबिन में उस बैग को खाली करते हैं और इसके बाद जब आप वहां पहुंचने जहां एक्चुअली आपको पहुंचना है जिस जगह का आपको जिस जगह के नजारे आपको खींच के ले जाते हैं वहां वहाँ जाएं आप नज़ारों से लुत्फ हो जाए लेकिन साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखें कि उन नज़ारों को आप दागदार न करें कोशिश करें कि हालाँकि हर जगह डस्टबिन मौजूद रहते हैं कूड़ादान मौजूद रहते हैं कर, उन कूड़ादानों का इस्तेमाल करें कूड़ा उनमें जमा रखें क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर एक सियाहती मकाम है बैरून ममालिक से बैरून रियासतों से यहाँ लोग आते हैं और वह सफ़ीर बन के यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर जो कुछ वो देखेंगे ऑब्जर्व करते हैं वही पैगाम वो साथ लेके जाएंगे इन बातों का ख्याल रखें प्रोग्राम सहित आज मौसीकी सज इंतख ज़ाहिदा तरन्नम जी हिंदी खूबसूरत आवाज सोलो करो पोग्रामक दसलब यमियामान आपसे बराह रास्त मुखातब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से आप देख रहे हैं अपना फेवर ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे के और अब वो घड़ी आ गई है जब आज से आज के मेहमान से मुलाकात करने का वक्त हो रहा है हमें भी इस मुलाकात का बड़ा इंतज़ार था और आप में भी बेशतर नाजरीन वक्ता फ़वकाता कभी फ़ोन करके कभी मैसेज भेज के और दूरदर्शन के अमले को मुतल कर रहे थे कि इस मेहमान शख्सियत से हमें ज़रूर मिलाएं हमें इनसे मिलने का बड़ा शौक़ है और हमें सुनना है कि इन्होंने किस तरह इतना आला और ऊंचा मकाम हासिल किया किस तरह वो कामयाबी इनके हाथ आई जिस कामयाबी की आ, सब कोशिश करते हैं और जिस कामयाबी को हासिल करने के लिए अल्लाह से दुआएं तो मांगते हैं लेकिन मेहनत भी बहुत सारी करते हैं लेकिन ये कामयाबी हर एक के हाथ नहीं आती है हमारी जो आज के मेहमान हैं इनकी नज़र एक शायराना तोहफ़ा ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में वक्त के शाख को वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा और जो हमारी आज की मेहमान हैं इनके हवाले से शायद सोशल मीडिया पर आपको फ़िलहाल कुछ चीज़ें जानने का मौका मिला होगा लेकिन आज चूँकि गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में जब हम किसी मेहमान को दावत देते हैं तो मुफसल जानकारी आप तक पहुंचाते हैं उनकी ज़िंदगी की सभी यादों को टटोलने की कोशिश करते हैं हमारी आज की मेहमान जो है के एस दो हजार अठारह बैच की टॉपर हैं मलिक कामिला मुश्ताक बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर होने के लिए हमें बेहद खुशी है कि आप तशरीफ आवर हुई और गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम की पूरी टीम की जानब से के हमारे तमाम नाजरन की जानब से आपको इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद शुक्रिया बहुत शुक्रिया और हम चाहेंगे कि शुरुआत शुरुआत से ही करें हमें बता दें सबसे पहले अपने बारे में कि कहाँ की रहने वाली हैं आप और बचपन की मलिक कामिला कितनी नटखट थी कितनी शरारती थी या क्या वैसी लड़की थी जो बड़ी चुपचाप रहती है सुलझी हुई लड़की बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन तो चाहेंगे कि ईमानन ये सारी चीज़ों का हमें जवाब दें जी हम बेसिकली करण नगर श्रीनगर में रहते हैं और बचपन से ही मैं ऐसी थी कि मैं थोड़ी सी डिसिप्लिन ही थी okay. तो डिसिप्लिन थी पंक्चुअल थी सुबह सवेरे टाइम पे उठती थी okay. तो ऐसा ही मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था और okay. मेरे अबू भी खुद बहुत पंक्चुअल है वो सुबह सवेरे ही फजर पे उठते हैं okay. तो ऐसा ही सीखने को मिला अपने अबू से तो ऐसा ही हमने भी किया इसके अलावा थोड़ी सी नोटी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी मतलब जब कज़न्स वगैरह होते थे तो उनके साथ थोड़ी सी नोटी तो होती ही थी और झगड़े भी बहुत होते थे काजिन्स के साथ <laughs> खिलौनों को लेकर झगड़े जग, जग, होते थे कि या किसी और चीज़ को लेकर झगड़े होते थे आपके बीच में uh, नहीं खिलौनों को लेकर झगड़े नहीं होते थे ऐसे ओपिनियन बेस्ड झगड़े होते okay, थे okay. <laughs> okay, बचपन पन okay, okay. से ही आर्गुमेंट्स आर्गुमेंटेटिव पर्सनालिटी रही है मतलब right. हाँ। हर, लेकिन जो बचपन में आपने आर्ग्यूमेंट किया है या आर्ग्यू किया है अपनी कजन के साथ कहीं ना कहीं आगे जाकर उसने आपकी पर्सनैलिटी में आपको बड़ी मदद की होगी बिकॉज जाहिर सी बात है कि इन सभी चीजों की बड़ी जरूरत होती है जब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है या इस किस्म के बड़े इम्तिहान को आपको फेस करना होता है हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है आपने कहा कि बड़ी डिसिप्लिन थी आप बचपन से ही और आप इसका क्रेडिट सबसे पहले अपने वालदेन को देती हैं खासकर अपने वालिद को देती हैं और आजकल के दौर में भी हम कहते हैं कि जब कभी कभार हम कभी कभार हमारी ये शिकायत रहती है अपने बच्चों से कि वो मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल किताबों को लेकिन सबसे पहले अपने अपने आप आपने आप पर नजर डाली जाए कि क्या हम किताबों का मतला करते हैं हमारे बच्चे हमें चौबीसों घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते देखते हैं तो जाहिर सी बात है उसका बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे आपकी आपने अपने हवाले से तो जानकारी दी कि आप कहाँ से हैं लेकिन आपकी जो पढ़ाई हुई है कहाँ से आपने तालीम हासिल की क्या क्या तालीम हासिल की वो हम जानना चाहेंगे तो इनिशियली मेरी स्कूलिंग हुई टाइनी हार्ट स्कूल से अप टू टेंथ तो टेंथ के बाद अप uh, टू फिर मैंने किया मेलनसन गर्ल्स स्कूल से hmm. फिर ट्वेल्थ के बाद मैंने एंट्रेंस uh, पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ तो okay. फिर okay. दूसरी अटेम्प्ट मैंने दी एंट्रेंस किस चीज़ का ए आई ट्रिपल ही इंजीनियरिंग एग्जाम तो okay. दूसरी अटेम्प्ट में आई क्वालिफाइड फिर वो ए आई ट्रिपल ई नहीं रहा जे डब्ल हो गया जेई तो आई क्वालिफाइड जेई फिर मेरा एनआईटी श्रीनगर में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली तो फिर मैंने एन आई श्रीनगर से बी टेक किया okay. फिर बीटेक के बाद से ही मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू कर दी। आप एक एक इंजीनियर इंजीनियर है जी देखिये नाजमा अब जो आपने बात कही इस बारे में मुझे खैर मालूम नहीं था हमारे नाजिम में भी कई दोस्तों की जानकारी में इजाफा हुआ होगा इस चीज को लेकर आपकी वजह से और आपको लेकर की आपने पहले जे डबल ई का इम्तहान पास कर लिया और उसके बाद बाबा आपने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया लेकिन सी बात है इस फीड को अचीव करने के लिए भी आ, कई लोगों के ख्वाब होते हैं लेकिन सबके ख्वाब पूरे नहीं होते हैं। लेकिन जब आपको एक कामयाबी मिलती है कई लोग फिर वहां पर ही मुतमिन रहते हैं इतमान की कैफियत होती है और उसके बाद वो आगे की नहीं सोचते हैं लेकिन आपने इससे आगे बढ़ने की जो कोशिश की इसकी क्या कोई खास वजह थी कहीं से इंस्पिरेशन मिली कहीं से तहरीक मिली जी एग्जैक्टली exactly. ये सवाल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब किसी को सक्सेस मिलती है तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है उस सक्सेस के साथ इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं right. वो बहुत mm -hmm. complacent हो जाता है right. वो बोलते है, बस दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ है पिछले साल मेरा टीचर पोस्ट में सिलेक्शन हो गया okay. Okay. तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला अब तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिली है mm -hmm. और बहुत इज्जत वाली पोस्ट है टीचर उस्ताद की जॉब तो अब तुम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन छोड़ना नहीं क्योंकि ऐसा होता है कि सक्सेस के बाद लोग कॉम्पलिसेंट हो जाते हैं तो मेरे लिए वो एक बहुत ट्रिगर रहा है कि मुझे कंफर्टेबल नहीं होना है इस जॉब में मुझे और ज़्यादा स्ट्राइव करना है तो अलोंग विद माय जॉब मैं पढ़ती भी थी वहाँ स्कूल okay. की लाइब्रेरी में तो जितना भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मेरी क्लासेस में मैं स्टाफ रूम में कभी बैठती नहीं थी आप मेरे टीचर से भी कन्फर्म कर सकते हो तो जो वहाँ पर मेरी कलीग्स थी उनको हमेशा शिकायत रहती थी कि आप बहुत ए सोशल लो आप बात ही नहीं करते हो हमसे तो मैं उनको समझाती थी कि ये टाइम मैं यूटिलाइज करना चाहती हूँ स्टडीज़ के लिए तो आई गेस दैट्स अबाउट इट हम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपने और एक इजाफा कर लिया हमारी जानकारी में कि आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी उस्ताद तो की हैसियत से मुंसलिक हुई थी आप तैनात हुई थी एक उस्ताद तो हमें यह बताइएगा आपके मुशाहे में कई ऐसी बातें होंगी पढ़ाने के हवाले से या जो हमारा यहाँ पर तलीम तरबियत का जो निज़ाम है रसो तदरीस का जो निज़ाम है उस हवाले से कई आपके ज़ाती मुशाहे भी होंगे आ, लेकिन जब आप एक स्कूल में पढ़ाती थी और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी वो तो, तो खैर आप ही बताएंगी आगे लेकिन उस पढ़ाने से प्रपरेशन करने में क्या आपको कोई मदद मिली क्योंकि हमने कई इस शो में कई के ए एस ऑफिस आई एस ऑफिस से बात की है और कई दोस्तों का ये कहना है कि मैं कोचिंग कराता था घर में उससे मैं अप टू डेट रहता था बेसिक्स के बारे में मुझे जानकारी होती थी क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ सीन रहा मैं यही बिलीव करती हूँ Okay. Hmm. अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको टीचिंग जैसा प्रोफेशन uh -huh. जो है उससे आपको बहुत सीखने को मिलता है right. सबसे पहली बात मुझे लगता है जो टीचिंग से मुझे फायदा हुआ मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छी हो गई okay, okay. क्योंकि एक टीचर को गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए True. तो टीचिंग की वजह से मेरी ओरेटरी स्किल्स बेटर हो गए okay. हो। उसके बाद मेरी मैनेजीरियल स्किल्स क्योंकि मैं नाइन टेंथ के बच्चों को पढ़ाती थी hmm. ये एक एडोलिसेंट एज ग्रुप है hmm. इसमें बहुत ज्यादा मतलब बच्चे जो है बहुत ज्यादा नोटी भी होते हैं और तो मुझे लगता है मैंने वो क्लास बहुत अच्छे से हैंडल की उनके साथ कंपेशन एम्पथी के साथ डील किया तो मेरी मैनेजरियल स्किल्स भी बढ़ गई जी। तो जो मेरा के का थर्ड ईयर होता है एग्जाम का पर्सनालिटी तो टेस्ट तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई टीचिंग प्रोफेशन की वजह से बहुत उसमें हो। बहुत हो। ये के का सपना कब देखा आपने और आप टीचिंग में थी तो आप उस चीज से मुतमिन होके आप आगे बढ़ने की आपने चाह रखी आगे बढ़ने का आपने सोचा ये बताइएगा अगर आप से हम पूछे कि सिविल सर्विसेज ही क्यों अगर आप खमत खलक का नाम लेंगी तो टीचिंग में भी तो वो है जाहिर सी बात है तो सिविल सर्विसेज ही क्यों जी ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि टीचिंग तो इतना अच्छा पोस्ट है मतलब और टीचर्स को नेशन बिल्डर्स कहा जाता है जितनी खुतिन की बड़ी चाहत रहती है जी इस के साथ मुंसलिक हो और उसके बाद क्योंकि दस से चार की नौकरी है आप फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है जी तो मुझे लगता है जो एक मैं आई एम सॉरी टू से बट जो टीचिंग को बोलते हैं फीमेल सेंट्रिक जॉब बनाया है आई थिंक इट्स वेरी सेक्सिस्ट मतलब पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि फैमिली को टाइम एक मर्द को भी उतना ही देना चाहिए जितनी एक खातून को देना चाहिए तो एक कश्मीरी सोसाइटी में है जब भी किसी के घर रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो ऐसा देखते हैं कि लड़की टीचिंग जॉब में होनी हाँ, चाहिए प्र, प्रेफरेंस, दी हाँ, प्रेफरेंस उसी है। को दी जाती है बट मुझे ऐसा आई डोंट नो वाई दिस इज सच केस मुझे थोड़ी सी सक्सेस चीज लगती है और अगर कोई लड़का टीचर होता है तो सोचते हैं ये तो लड़कियों का ही प्रोफेशन है लड़का क्यों दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट और दूसरी बात ये है दूसरा सवाल क्या था सॉरी जी यही क्यों के एस ही क्यों -E जी के एस ही क्यों टीचिंग में भी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी लेकिन जो प्लेटफॉर्म मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे रही है वो प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा वास्ट है टीचिंग okay. में मैं एक नैरो

इस को उनसे मुखातिब होकर फरमा रही हैं ये वाकई पैगम्बराना पेशा है और कौम के मैमार होते हैं इस एक टीचर की हैसियत से एक उस्ताद की हैसियत से आपने कनलीब्ज़र्व किया होगा कि जो हमारा दरस व तदरीस का निज़ाम है इनमें कहाँ कहाँ पर इसमें कहाँ कहाँ पर खामियाँ हैं कहाँ कहाँ पर आ, गुंजाइश है मजीद काम करने की हमें यह बताइएगा कि चूंकि अभी तक आप एक टीचर थी एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगी तो जब आपको कभी एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन के महकमे का डायरेक्टर नाजिम या एजुकेशन के महकमे का कोई को बड़ा ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा इन जिंदगी में तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या किस किस्म का बदलाव है जो आप लाना चाहेंगी सबसे पहले टीचिंग का मैं स्टूडेंट थी पहले स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अभी भी स्टूडेंट हूँ इंसान ज़िंदगी के दम तक स्टूडेंट ही रहता चुछ। है चुछ। सीखने को बहुत मिलता है और उसके बाद टीचर का प्रोफेशन भी मैंने किया तो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात जो मुझे लगती है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन मॉरल एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं है तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये हमें बोलता है आपको जॉब कैसे सिक्योर करनी है इट इज अ जॉब ओरिएंटेड तो वैल्यू ओरिएंटेड नहीं है इसकी वजह से जो हमारी यूथ है

ये एक सीढ़ी की तरह आप इस्तेमाल करेंगी इसके आगे और भी कुछ है आई की तरफ जाना चाहेंगे जी बिल्कुल मैं फिर से कॉम्प्लिस नहीं होना चाहूंगी <laughs> इसके साथ तो इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन अनदर ग्रेट इज़िंगिटी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश बहुत निकले मेरे लेकिन फिर भी, फिर भी कम भी निकले अच्छा आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि जाहिर सी बात है बहुत सारे एक्सपेरेंट्स अभी हमें देख रहे होंगे हजारों लाखों की तादाद में दुनिया भर में uh -huh. और हमारे इस प्रोग्राम की अलहमदिल्ला ये खूबी और खसूसियत भी है कि इस प्रोग्राम को अब टी वी के जरिए ही नहीं लोग चाहें तो यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख पाते हैं और डी डी कशर की जो हमारी यूट्यूब चैनल है उस पर लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को

तो आई थिंक कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सिर्फ एक चीज नहीं बोल सकते हैं इसमें बहुत चीज मिलके आपको कामयाब करते हैं राइट right. और आ, आ, के स्टडी आवर्स कितने होते थे पूरे दिन में किस तरह पढ़ती थी कितनी फोकस्ड रहती थी आप पढ़ने को लेकर और उस भी जाहिर सी बात है लड़कियों का बड़ा शौक भी होता है कि अगर किसी कजन की शादी है या रिश्ते में किसी की शादी है वहां जाए अटेंड करें खासकर मेहंदगी रात को अटेंड करना है तो क्या आपको वो सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी इसको जी कुरबानियाँ तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ी okay. और uh -huh. रिश्तेदार भी बहुत नाराज़ uh -huh. रहते थे और जी. अभी तक नाराज़ है कि आप कभी नहीं आती हमारे घर okay. uh -huh. ऐसे बहुत सारे ओकेजनज हैं फंक्शन है जो मैंने मिस किए बिकॉज ऑफ माई प्रपरेशन आई होप उन सब रिश्तेदारों को मैं सॉरी कहना चाहूंगी इस शो के हवाले से कि मैं वहाँ uh -huh. नहीं आ पाई जी. और प्रपरीशन का अगर देखें टाइम स्लॉट कैसा होता था मेरा तो मेरे डेली गोल्स होते थे कि आज दिन में मुझे इतना पढ़ना है तो चाहे जितने भी घंटे लग जाए मैं वो कंप्लीट करके ही सोती थी जी। जी। और जिस दिन मेरा वो स्लॉट वो गोल कंप्लीट नहीं होता था आई वुड फील वेरी सॉरी अबाउट माई सेल्फ द नेक्स्ट डे और मैं हाँ, डबल मेहनत हाँ, करके हाँ। वो गोल्स कंप्लीट करती थी घंटे होते थे तो इट वैरीट लेकिन मुझे लगता है फाइव सिक्स आवर्स Sufficient. काफी hmm. है काफी yeah. है कौन सा ऑप्शनल आपने लिया हुआ था Optional मेरा anthropology था okay, okay. जानना चाहेंगे आपसे एक ख्वाब आपने देखा सिविल सर्वेंट बनने का वो ख्वाब आपने कैसे मतलब तय किया एक तो पहले सपना था और आज आप हमारी हॉट सीट पे बैठी है <laughs> एक काबिल सिविल सर्वेंट है क्योंकि आपने रिसेंटली टॉप किया है तो जानना चाहेंगे सारा एक्सपीरियंस कैसा था ये सारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था एंजॉयल था बोलते जब तक जुद्दोजहद ना हो किसी चीज में उस चीज को पाने का मजा ही नहीं मजा नहीं, नहीं आता बिल्कुल आ, मुझे इस पे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है बिल्कुल। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजू में इस तरब नहीं बहुत क्या बहुत। बात तो आई थिंक जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल में भी अपना ही मजा है mm -hmm. लोग कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है डिप्रेशन वो लेकिन उसमें भी अपना ही मजा है क्योंकि yes. फिर जो आपको फीट सक्सेस मिलती है mm -hmm. उसको एंजॉय करने में अलग ही मजा है के cool. दौरान जाहिर सी बात है mm -hmm. But, uh, और उसमें वाले का क्या रोल था या किसी और शख्स का क्या रोल था बहुत हाईज एंड लोज होते हैं देवर डेज जब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था या मुझे लग रहा था मैं कामयाब नहीं होगी तो सबसे पहले फेथ इन गॉड फेथ इन अल्लाह वो नमाज पढ़ने से जो मुझे सुकून मिलता है वो Allah, किसी चीज से सुकून नहीं सुभाण, मिल सकता है वैसा उसके बाद मेरे कॉन्स्टेंट सपोर्ट सिस्टम मेरे पेरेंट्स रहे हैं और मेरे भाई बहन अलॉन्ग विद माई कजन क्योंकि अगर मैं कजन का नाम नहीं लूंगी तो वो नाराज हो जाएगी राइट right. uh, आपका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा जिसमें आपने कहा है कि जो आप में आत्मवाद है जो आप में कॉन्फिडेंस है उस का सहरा आपके वालिद को जाता है क्योंकि उसने हमेशा उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जो उनकी बेटियां हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी में आगे बढ़े और आपके वालिद को हमारा खराज तहसिन हमारा सल्यूट कि आप अपनी बेटियों की इस तरह तरबियत करते हैं और बेटियां बेटियों से कम नहीं है बेटियों ने कर दिखा है जिंदगी के हर शोबे में कि हम किसी से कम, कम नहीं, नहीं है आज की बेटी इंजीनियर है आज की बेटी डॉक्टर है आज की बेटी पायलट है आज की बेटी एडमिनिस्ट्रेटर है।, है आप अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाएं वो आपका सर फख्र से ऊंचा जरूर करेंगी हम एक पैगाम के लिए रुकेंगे कोविड उन्नीस के हवाले से पैगाम आया चाहता है उसके बाद मजीद बातें होंगी हमारी आज के मेहमान से आप चाय नोश फरमाएं आपके सामने चाय रखी है और आइए रुकते हैं इस वक्त के लिए नाजी कहीं जाइएगा नहीं देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफा शो गुड मॉर्निंग अरे बबलो लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े महामारी अभी फैली हुई है सरपंच जी टहले नहीं काम पे वापस जा रहे हैं तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा पहले थोड़ा बहुत डर लगता था फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखूंगा खुद को दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा अरे भाई मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना सो दे दिया जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस ऐसी लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की तुझे कुछ हो गया तो हजारों लोग इस बीमारी को हरा ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है यह घबराने का वक्त नहीं एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है अरे ऐसे क्या देख रहा है तू काम पे जाएगा मैं नहीं जाऊँगा नाक नहीं कट जाएगी मेरी चलो मास्क, हाँ, मास्क, मास्क। अरे नाक तो ढक लो हाँ, हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी पर उससे डर कर नहीं पूरी सावधानी के साथ डक कर चलिए रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं देश को आत्मनिर्भर बनाए जय हिंद फरमावा शेखुल आलम रहमत एलिम आले। परान तो परित न पालन पह पे नखलालन गाश कत्या से कोविड के हवाले से हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और हम आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि आप जो है एस ओ पीज़ का ख्याल रखें लेकिन हमने अक्सर देखा है कि इतना इल्म होने के बावजूद लोग जो है बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली गफलत से काम लेते हैं बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं खासतौर तौर पर विचा कि नालमोच कर पत बोजो क्या कैसे कोविड गढ़ करो नालमोल जो कि बहुत बहुत गलत बात है हो सकता है कि हमने कोविड से कब की ये जंग जीत ली होती अगर हमने एहतियात बरती हो और मोहब्बतें अपनी जगह और अगर वाकई आप किसी से मोहब्बत करते हैं <laughs> इस रिश्ते का एहतराम करें अगर आप उनकी हिफाजत चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें जी इस वक्त हम हाथ नहीं बल्कि दिल मिला के आगे बढ़ेंगे फिलहाल कोविड केसेस के हवाले से आपको ये जानकारी दिए चलें जो मुसबत केसेस है हमने पिछले 24 घंटों में जो मुसबत केसेस पाए हैं कोविड के यूटी में सिक्स थर्टी केसेस टोटल है जिनमें से जम्मू से थ्री फोर्टी केसेस और कश्मीर से टू एटी केसेस इनके साथ जो टोटल काउंट बन रहा है कन्फर्म केसेस का Recoveries भी अच्छी खासी हो रही है। है पिछले घंटों में जो रिकवर हुए हैं, जिनमें से जम्मू का जम्मू से ताल्लुक जो है नाइन थर्टी सिक्स केसेस का है और कश्मीर से 450 63,790 जी, साथ आप आगाज, जी आगाज हम एक मकामी अंग्रेजी रोजना में से करेंगे नाजीन और इस अखबार के पहले सफे पर कई खबरें शाया हुई है लेकिन इन खबरों में चंद खबरों का हमने इंतजाम किया आपके लिए और इन्हीं खबरों की सुर्खियां आप तक पहुंचा रहे हैं पहली सुर्खी सुनिएगा

जी के पोस्ट जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा इसे ये खबर थ्री इंजर्ड एल जी कंड जी जना मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है और इस अखबार की सुर्खी सुनिएगा तालीम कारोबार में तब्दील दाखिला का एलान एक बड़ा धोखा ट्यूशन फीस छोड़कर वालदेन से सालाना बारह हजार से पंद्रह हजार की अदायगी दाखिले से मशरूक जी एक उर्दू रोज़नामा मेरे पास इससे दो खबरें लेना चाहेंगे पहली ख़बर कुछ इस कदर है आराजी स्कैंडल के सिलसिले में नायब तहसीलदार के खिलाफ चार्ज शीट दायर स्कैंडल में कई दलाल भी मुलवस और ये जो है एक खबर है ये सुनिएगा पंद्रह अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के कई अजला में फोर जी इंटरनेट बहाल होने के इम्कान वजारत दाखिला के सेक्रेटरी की सरबराही में अला सती मीटिंग में

जी उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल पैदा करना चाहता हूँ जिसमें रोजगार तजारत और सन्नत को तरक्की हासिल हो सके कुपवाड़ा बारहुल्ला रेलवे लाइन की तमीर तरजीहत में शामिल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी अंग्रेजी रोज़नामा इसे दो खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे पंचायत बाई पोल्स लाइकली नेक्स्ट मंथ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट डिप्यूट 54 फोर एम्प्लॉज टू सर्व लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जी उर्दू अखबार के अंदरूनी सफेब की दो सुर्खियां आप तक पहुंचा रहे हैं हकुमत पंचायती राज इदारों को मजीद बाइतियार बनाने की वादा बंद नाइत और अशम बाड़ीपोरा में तकारीब से फारूक खान का खिताब और अब एक दिल खराश खबर की सुर्खी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कुत्ते पीछे दौड़ने कामनाक नतीजा पांपोर में तेरह साल बच्ची कार से टकरा कर हलाक लवाकिन के साथ हमारी दिल्ली हमदर्दी अल्लाह तला गरी का रहमत करे इस बच्ची को जी और दो रोज़नामा मेरे पास इससे ये खबर लेना चाहेंगे बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होश रबा कीमतों में इजाफे पर जम्मू में धरना इसी अखबार से और यह खबर दो बाइयों में लड़ाई झगड़ा एक बाई की मौत का सबब बना कोबल पामपुर में अफसोसनाक वाक़ा मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई

टॉपर मलिक कामिला मुश्ताक से किसी तारुफ और तारीफ की मोहताज अब नहीं कैसा लगता है कामिला के रातों रात माशा आपकी अपनी मेहनत रंग लाई और आपका नाम है सब लोग आपसे बात करना चाहते हैं आपके साथ चूंकि कोविड का मामला नहीं होता तो रोजाना लोग आपके साथ सेल्फीज खिंचवा के फेसबुक पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते अपडेट करते कैसा लगता है इस किस्म की शोहरत आई थिंक ये बहुत ही ओवरवेलमिंग है मेरे लिए ओवर नाइट मुझे इस किस्म का सक्सेस मिला जी. तो आई वॉज नॉट एट ऑल रेडी फॉर दिस तो मुझे पता नहीं थी जब लिस्ट निकला तो मुझे लगा था मैं तो एंड से अपना नाम ढूंढ रही थी uh -huh. और जब टॉप पे मेरा नाम था तो इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज नहीं किया था एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब रैंक एक्सपेक्ट नहीं की थी नाम जी. एक्सपेक्ट किया था आना सबकी चाहत होती है लेकिन जब आप वो मकान हासिल करते हैं एक्चुअली क्योंकि आपने इस इन लम्हा को जिया है कैसा महसूस है। अभी तक मुझे लगता है मैंने शायद ये न्यूज सी नहीं किए अच्छे से hmm. अभी तक आई मीन अ फ्रेंजी Okay. <laughs> तो लेकिन बहुत ही अच्छी फीलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जानना चाहेंगे आपसे कामला क्योंकि आपने 2018 में एग्जाम दिया गई कामिला तो इस सॉरी वक्त आसान ये कितना स्ट्रेसफुल है और क्या लगता है आपको जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ तब्दीली आनी चाहिए क्योंकि इस वक्त में बहुत सारे जो लोग होते हैं क्योंकि इसमें बहुत मेहनत भी दरकार होती है बहुत वक्त भी चाहिए होता है तम मगाना कुछ जाए क्या कुछ रिफॉर्म्स होनी चाहिए इस हवाले से हाँ जो ये एग्जाम है ये बहुत ही ज्यादा लेंगदी एग्जाम है और इसमें बहुत साल लग जाते हैं स्पेशली जब स्टेट पी की बात करें यूपीएससी तो टाइमली कंडक्ट करता है एग्जाम हर साल होता है लेकिन जो स्टेट पी होते हैं उनमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो मुझे लगता है रिफॉर्म्स ऐसे आने चाहिए कि एग्जाम्स टाइमली होने चाहिए और रिजल्ट टाइम पे आने चाहिए ताकि एस्परेंट का जो टाइम है वो भी ज़ाया ना हो और उनको फर्दर करियर ऑप्शन भी अवेलेबल हो कि उनको आगे फर्दर करना क्या है अपने करियर के

क्या खुश क्या खुश करा कर मुझे लगता है जो हर एक कश्मीरी करता है लॉकडाउन कर्फ्यू में हम कैरम बोर्ड खेलते हैं हम सब घर में बैठ के कैरम के बोर्ड खेलते हैं और मजा आता है बहुत सब वगैरह हमारा तो घर अड्डा बन चुका है कैरम बोर्ड खेलने का <laughs> <क्या> <laughs> बात है। तो सब कजन छोटे वगैरह वो आते हैं कैरम बोर्ड की पाउडर जेब में लेके कैरम बोर्ड खेलते हैं माहौल रहता होगा आपके घर में इस हवाले से लेकिन हमें ये बताइए तो खैर इंडोर गेम की बात है क्या किसी आउटडोर गेम में आपकी कभी दिलचस्पी रही है की कोई आउट आउटडोर गेम आप खेलें कोई आउटडोर स्पोर्ट में आप दिलचस्पी लें ऐसा कभी हुआ है खासकर जब अनफॉर्चुनेटली स्कूल में थी अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी आउटडोर गेम खेली नहीं है नहीं। <laughs> क्योंकि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था बचपन में जब मेरे कजिन वगैरह क्रिकेट खेलते थे मैं हमेशा अंदर चली जाती थी <laughs> तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था okay. तो ऐसे में खो खो खेलते थे हम वो वाली गेम्स ठीक है खो खो बैडमिंटन उसके अलावा आई हेट क्रिकेट दूसरी गेम okay. से शायद डर भी लगता हो क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डरते हैं यार अब किसी ने शॉट मारा क्रिकेट के अगर बाल लग गई लगी थे थे हाँ, वो बड़ा ऐसा नहीं होता था लड़कियों के साथ <laughs> <अरे ये> बताइएगा हमें <laughs> कि सी बात है निसाबी किताबें जो आपकी सिलेबस की किताबें वो तो आपने पढ़ी होंगी और माशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी तभी मुमकिन होता है इंसान के लिए कि अवल आए या कोई बड़ी कामयाबी हासिल हो उस इंसान को ये बताइएगा कि अदर देन दैट क्या दूसरे लिटरेचर में भी आपकी दिलचस्पी थी अगर थी किन की किताबें या किस किस्म का लिटरेचर पढ़ना आपको पसंद था जी ऐसे मैं फिक्शन बहुत पढ़ती हूँ नॉवेल्स वगैरह तो जब कभी फ्री टाइम मिलता है या इसके अलावा कुछ ऐसी बुक्स होती है या जैसे अमरतिया सेन की द आर्गमेंटेटिव इंडियन जी, 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 तो मुझे लगता है वो मैंने पढ़ी और मेरा विजन बहुत वास्ट हो गया उससे ऐसी बुक्स पढ़ना मुझे लगता है एसेंशियल है सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए क्योंकि आंसर राइटिंग वगैरह में बहुत हेल्प मिलती है बेशक बेशक बहुत खूब ऐसे तो कामला जी आख सवाल छूँ ये कि अच्छी विषमित बहुत सारे इंस्टीट्यूशनस है कोचिंग सेंटर्स है वो हमें बताइएगा कि कोचिंग कितना ज़रूरी है और अगर ज़रूरी भी है हमने बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं वो ट्रिक्स का बताते कि आपने जो है स्मार्ट वर्क कीजिए आपको हम सीधे सिविल सर्विस में आप एडमिशन ले पाएंगे हमें बताइएगा ये ट्रिक्स कहाँ तक ट्रिक्स।, ट्रिक्स, ट्रिक्स, ट्रिक्स की मैं खास तौर पे बात कर रही हूँ ये जो ट्रिक्स है ये कहाँ तक सही है और आपको क्या लगता है कोई शॉर्टकट है कामयाब होने का आई थिंक कामयाब होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, है। <laughs> जी देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस इट डजेंट हैपन ओवर नाइट इसमें बहुत मेहनत जाती है बहुत टाइम जाता है तब जाके आपको सक्सेस मिलती है और एज फार एज कोचिंग सेंटर्स आर कंसर्न मुझे लगता है कि एक बिगिनर के लिए गाइडेंस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो लेकिन अब ऑनलाइन इतने ज्यादा सोर्सेज है तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं इतनी अच्छी चैनल है यूट्यूब पे अवेलेबल तो उनसे भी कोचिंग हो सकती है इसके अलावा जिन लोगों ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है उनके साथ कंटेक्ट में रहना उनसे मशवरे लेना सजेशन लेना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के दौर में जिन आ, लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया मैं उनके साथ में थी थी उनसे ले रही बिकॉज इज ऑलवेज रूम फॉर दो हजार अठारह का जो बैच है के ऑफिसर्स का उसमें कई ऐसी स्टोरीज सामने आ रही हैं कई से कैंडिडेट्स की या जिन्होंने ये इम्तहान क्वालिफाई किया कि जो स्टोरीज पढ़कर इंसान काफ़ी इंस्पायर होता है इंसान के दिल में चाहत होती है कि मैं भी कर सकता हूँ मुझ में भी अगर थोड़ी हिम्मत हो थोड़ा हौसला हो करने की तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल आज सवेरे ही मैं पढ़ रहा था डोडा ज़िले से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान आ, जो जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी ऑर्फनेज में गुजारी है डोडा से लेकर श्रीनगर तक और उसके बाद कोई कोचिंग नहीं उन्होंने ऑर्फनेज की मदद से ही किसी दारे में तालीम हासिल की और अब इसमें सबसे अहम बात और जो इंसान को हैरान कर देती है बात वो ये कि जो इस लड़के की वालदा है नाजमा वालदा एक आई सी डी एस सेंटर में माहाना तौर बारह सौ रुपए की उजरत हासिल करती थी और उसी पर अपने घर के खर्च चलाती थी तो उसके लिए मुमकिन नहीं था कि अपने नहीं बेटे नहीं। को पढ़ा पाती इसलिए उन्होंने अपने बेटे को औरफनेज भेजा और वहाँ पर उनकी तरबियत हुई और उनकी तालीम वगैरह उन्होंने मुकम्मल कराई लेकिन उस लड़के में डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन इस किस्म की थी कि पहली अटैम्प्ट में उन्होंने भी क्वालिफाई किया अब जब इस किस्म की स्टोरीज आ रही हैं आप माशाल्लाह एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आपने पहली पोजीशन हासिल की पहली रैंक हासिल की हासिल की इस एग्ज़ाम में मैं ये बताइएगा कि जो हमारे नौजवान अब इंस्पायर हो रहे हैं वो चाहते हैं कि वो सिविल सर्विसज में आएँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका उन्हें खास का ख्याल रखना चाहिए और हमें यह बताइएगा कि इंसान को किस स्टंडार्ड से जहन बनाना चाहिए ऐसे इम्तिहान के लिए हमने देखा है क्योंकि कई जिस तरह आपने भी कहा सबसे पहले आपने इंजीनियरिंग की आपने जे का इम्तहान पास कर लिया कई ऐसे दोस्त होते हैं जो एम करते हैं उसके बाद वो डॉक्टर भी बन जाते हैं और उसके बाद उन्हें ख्याल आता है कि नहीं चलिए अब डायरेक्शन नहीं तो तो बताइए कि कौन सा ऐसा मकाम है कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है कौन सी ऐसी जमात है जहां से आपको तय कर लेना चाहिए आपको फोकस्ड रहना चाहिए और आपको इम्तिहान की तैयारी कर लेनी चाहिए मुझे लगता है कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होती है सही से बच्चों की तो उसकी वजह से क्या होता है टेंथ के बाद कौन से सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं कौन से सब्जेक्ट्स नहीं फिर सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं उनके या किसी फील्ड में जाते हैं वहां इंटरेस्ट नहीं होता है पेरेंटल प्रेशर होता है कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है तो इसके लिए पेरेंट्स का भी रोल है और सिविल सोसाइटी का भी रोल है कि वो बच्चों की ऐसी काउंसलिंग जहां पे जो उनका पोटेंशियल है वो मीट हो जाए वो हार्नेस हो जाए नहीं। 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 उनको अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो फील्ड मिले जहां पे उनका पोटेंशियल बेटर यूटिलाइज तो कोई करियर ऑप्शन उन पर थोपा ना जाए जिस तरह हाँ। देखते हैं कई वाले चाहते हैं कि नहीं बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर या कुछ और ही बनना है जी ऐसा नहीं होना चाहिए उनकी एस्परेशन मीट होनी चाहिए जी हमें ये बताइएगा आपसे ये भी जानना चाहेंगे की वालदेन का बड़ा अहम रोल रहता है बच्चे के करियर के हवाले और तो हर वालिद की हर वालदा का यही शौक़ होता है कि मेरे बच्चे को कोई ऊंचा मकाम हासिल हो लेकिन आजकल के दौर में हमने देखा है कामिला आपने भी देखा होगा कि देखा देखी के इस आलम में बच्चे काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं आपको अव्वल आना है ठीक है एक तो यह है कि आपने अपने बारे में कहा कि मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे फर्स्ट रैंक आएगी लेकिन वालदेन फोर्सफुली बच्चों को बोलते हैं कि आपको अवल ही आना है हाँ हा। और आपने नहीं देखा पिछले साल जो हमसायगी का बच्चा है इसने कितने नंबरात लाए थे तो ये देखा देखी के आलम में जो हमारे बच्चों की जहनी सेहत है वो बुरी तरह असरअंदाज और मुतासर हो रही है।, है क्या कहेंगे ऐसे से मुझे लगता है वालदेन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देना अगर वालदेन अपने बच्चों को इतना कॉम्पिटेटिव बनाएंगे कि आपको पड़ोसी के बच्चों से ज्यादा नंबर हाँ। लेने हैं तो आई थिंक उनके बच्चे ज्यादा कॉम्पिटेटिव और अग्रेसिव बनेंगे और एक दूसरे की सक्सेस को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट उनकी पर्सनैलिटी बहुत अग्रेसिव बनेगी और बहुत इनसेर बच्चे बनेंगे अगर हम अपने बच्चों को ऐसे सिखाएं कि दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर हो ना कि उनके साथ कॉम्पीट करें आप तो आई थिंक हमारा वैल्यू एजुकेशन भी अच्छा रहेगा और सोसाइटी में हारमोनी भी अच्छी रहेगी बहुत खूब बहुत बहुत अब हमें समझ आ रहा है आपने इंटरव्यू कितना अच्छा दिया होगा <laughs> जानना चाहेंगे कामला हमें बताइएगा अगर हम खातन की बात करें no नो डाउट आज हर एक फील्ड में बहुत आगे है लेकिन एक आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत कुछ हमने फेस करना पड़ता है अगर हम घर की बात करें हमने घर का भी देखना है क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो वो जो फीमेल सिटिग्मा भी है उसके हवाले से भी हमें बताइएगा कितना कुछ करना पड़ता है एक लड़की को और आप पे कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आया थी कौन कौन सी चैलेंज आपने फेस करने पड़े मुझे लगता है जो कश्मीर है अब वो बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन रही है नो डाउट no लेकिन थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड टू तो जेंडर अभी भी है एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स दैट तो ऐसे ऐसे सोशल स्टिग्मा होता है जब मैं नाइन्थेंथ में पढ़ती थी तो ऐसा बोला जाता था लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती uh -huh. तो ये ऐसा इनग्रेन हो गया था हमारे कल्चर में मुझे भी लगता था कि मुझे तो मैथ्स नहीं आएगा क्योंकि मैं लड़की हूँ लड़कियों को मैथ्स नहीं आता uh -huh. है तो ये बहुत सारी मिथ्स है अगर इन मिथ्स को हम ब्रेक करें कि लड़कियां इक्वली कॉम्पिटेटिव एंड इक्वली इंटेलिजेंट टू बॉय बेहतर तब्दीली आएगी तो बच्चों ये चीज सिखाना आई मीन इट्स वेरी सैड सी बात है आप पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करें पॉजिटिव रहें जिंदगी में तो उसके नतज भी मुस्बत ही होंगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी नाजमा ने जिक्र छेड़ दिया है आपके इंटरव्यू का जब आप इंटरव्यू में गई इंटरव्यू के लिए आप जब घर से निकली आप कितनी नर्वस या कितनी कॉन्फिडेंट थी और कौन कौन से ऐसे सवाल है जो आपसे पूछे गए और जिन सवाल आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और आपको अपने आप में कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि I will crack this exam. जब मैं इंटरव्यू देने गई मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी मेरा ये एक ड्रॉबैक है मैं बहुत हो जाती okay. इंटरव्यू से एक मिनट पहले तक मैं सूर्य पढ़ रही थी <laughs> <दाए>। <laughs> तो वहां तक जब मैं गई जब मैं वहां बैठी uh -huh. उसके बाद आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि उनके बाद जो सवाल उनने मुझे पूछे उनने मुझे मैथमेटिक्स से सवाल पूछे ट्वेल्व पीपल वर देयर उनमें बहुत सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी थे तो उन्होंने मुझे पूछा आप स्कूल में क्या पढ़ाती है तो मैंने बोला मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है okay, क्या okay. तो वो मेरे फेवर में चला गया तब भी इंटरव्यू क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स से बहुत सवाल पूछे मैथामेटिकेटर क्या होता है रोमबस क्या होता है जी. तो जब मुझे पहले ही सवाल बहुत अच्छे हो गए तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई उसके बाद सारे सवाल अल्लाह के कर्म से फंस गए मेरे सुबह बहुत खूब और जिस तरह आप अभी कह रही थी कि बचपन में चूंकि बात डाल दी गई थी जहन में में लड़कियां मैथ्स अच्छी नहीं होती लेकिन फिर आप मैथ का मजमून पढ़ाती थी बहुत अच्छी बात और इससे वाकई इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को हमें ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है आपको अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है अब आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी तो एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से कैसी रहेंगी कामिला जी? किस तरह आप लोगों की खिदमत करेंगी और क्या कुछ सोच के आप आगे बढ़ रही हैं क्योंकि आपने खुद भी देखा है लोगों को बड़ी परेशानियों बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जाहिर सी बात है जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुंसलिक लोग हैं उन पर भी काम का इतना प्रेशर होता है कि हर एक को हर एक के साथ डील करना हर एक को हैंडल करना उनके लिए भी मुमकिन नहीं होता है लेकिन इसमें जो दफ्तरी तवालत का मामला है उससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्या करेंगी आप सबसे पहले जो मुझे नसीहत मिली है सबसे कि जब भी मैं मेरी पोस्टिंग हो इन तो सबसे पहले सब ऑर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट करनी है हमेशा लीडर बनना है बॉस नहीं बनना है नहीं। 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 तो ये एक बात है और दूसरा मैं अपनी जॉब जो है बहुत ऑनेस्टी के साथ करना चाहती हूँ एम्पति के साथ नहीं। और नहीं। कम्पैशन के साथ और करप्शन फ्री है उम्मीद रखेंगे। और नौजवान बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हार्ड वर्क भी जरूरी है आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा फैक्टर है आपकी कामयाबी के पीछे मुझे लगता है लक उसी को फेवर करता है जो हार्ड वर्क करता है अच्छा ये बताइएगा हमें जिस तरह आप अभी कह रही थी किस किस्म के इरादे आपके हैं सी बात है आ, अगर आप जैसे अफसरान होंगे तो Uh, समाज में एक बेहतरी आएगी जिस बेहतरी की uh, हमें उम्मीद भी है और जिस बेहतरी का हमें इंतजार भी है आपने करप्शन का जिक्र छेड़ा हमें ये बताइएगा कि अगर एक अफसर खुद ईमानदार हो उसने तय कर रखा हो कि ईमानदारी से काम करना है तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम पूरा ठीक हो जाएगा और जो उनके सबॉर्डनेट सबॉर्डिनेट्स हैं सबॉर्डिनेट स्टाफ है उनमें भी एक तब्दीली आएगी बेहतरी आएगी हाँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं ये सबको कहना चाहूंगी कि जब पीपल एट टॉप ऑनेस्ट है तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाता हाँ। है तो जो सब है वो भी ऑटोमेटिकली ऑनेस्ट हो जाते हैं अगर पीपल है टॉप डिसऑनेस्ट हो तो वो बोलते हैं हमारे ऊपर वाले साहब ऐसे हैं तो हम क्या करें तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो ऑनेस्ट होने चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट है कामला हमें ये बताइएगा कि इंसान को जिंदगी में जब ऊंचा मकाम मिलता है तो उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अल्लाह रहम करे अल्लाह बचाए की आ, उनकी आंखों पर पट्टी पड़ जाती है वो गुमराह हो जाते हैं लेकिन कामयाबी ऊंची हासिल हो उसके बाद भी आप ग्राउंडेड रहें जी, जी। आप हमेशा नज़र नीचे रखें और आप कोशिश करें कि आप गुरबा के लिए मसाकिन के लिए काम करें ये जज्बा अपने आप में एक बहुत बड़ा जज्बा है जी। और हर एक में ये जज्बा नहीं पाया जाता है इस जज्बे को अपने आप में पालने के लिए कायम रखने के लिए आप क्या करती हैं जी जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उससे एक मिनट पहले मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह प्लीज़ मेरा इस लिस्ट में नाम हो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नदामत के साथ रहूँगी पूरी ज़िंदगी और जितना भी मुझे आप मुकाम हासिल करोगे उससे सोसाइटी का ही बेनिफिट करूंगी तो आई थिंक मैं जिंदगी भर उसी प्रॉमिस को फुलफिल करना है आपने चाहूंगी। खुदा से प्रॉमिस किया खुदा से प्रॉमिस किया तो फुलफ़िल तो जरूरी करना है बेशक बेशक आपको बहुत सारी अभी लड़कियां देख रही है अगर मैं लड़कियों की खास तौर पर बात करूँ तो उनके लिए क्या पैगाम जाएगा क्या आप उनकी इंस्परेशन है तो एक इंस्परेशन के जरिए उन तक क्या मैसेज पहुंचेगा मैं उन सब लड़कियों को यही कहना चाहूंगी डोंट सीक सपोर्ट फ्रॉम एनी बडी है या दूसरे जेंडर के लोग हैंट सीट पे है एक कामयाब इंसान अभी हमारे साथ है तो बहुत सारे लोग हैं। जिन्होंने आपकी कामयाबी में जिनका हाथ है तो किनको क्रेडिट देना चाहेंगी आप चूंकि इन्होंने कल जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा था कि मुझे मौका नहीं मिला उन उनका नाम लेने का गया 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 लेने का तो तफसीलन हमें बताइए बहुत यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया क्योंकि इज्जत देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है उसके बाद मेरे वालदान का शुक्रिया मेरे भाई बहन अबनान बाजिला और मेरी कजन फरहाना फरहाना बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक फिर उसके बाद जो मेरी स्कूल की एंटायर फ्रेटर्निटी है स्कूल की और मेरे प्रिंसिपल सर थे वहां पे उनने मेरी बहुत हेल्प की ज्यूरिंग माई प्रिपरेशन उनका नाम है मिस्टर अब्दुल रशीद डार वो अब रिटायर हो चुके हैं उसके बाद बुजुर्गों की दुआ बहुत रही है मेरे साथ जो मेरी दादी थी वो हमेशा दुआ करती थी खुदा ये थज कुर्सी तो बचपन से वो मुझे यही दुआ देती थी तो मुझे लगता है मेरी दादी की दुआ कबूल हो गई उसके अलावा मेरे अंकल मेरी पुफी उन सब को थैंक यू क्योंकि सब दुआ करते थे मेरे अलहमदल्ला अब दादी का जिक्र आया और आपकी मुंह से कश्मीरी निकल ही <laughs> आई बहुत खूबसूरत कश्मीरी बोलती हैं आप पहले <laughs> भी अच्छा ये बताइए कि जो आपने बुजुर्गों का जिक्र किया हम देख रहे हैं आजकल के इस मादियत के दौर में आ, अपने बुजुर्गों की इज्जत उनका एहतराम कहीं ना कहीं किसी हद तक कम हो गया है हम हरे घराने के हवाले से ऐसा नहीं कह सकते हैं लेकिन तो हम देखते हैं अपने समाज में अक्सर एक शिकायत रहती है खासकर बुजुर्गों की कि सान नौजवान छो पे बड़े बुजुर्गन एहतराम रूदमु तसान तो जी अच्छे क्या सदाकत कह हकीकत अगर यह क्या गो तो क्या पा कर नौजवान खासकर मुझे लगता है कि वैल्यू सिस्टम थोड़ा इरोड हो चुका है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन और मास मीडिया उसकी वजह से वैल्यू इरोजन तो बहुत हुआ है ऐसा कहते थे कि जो आपसे में आगे हो तो उनसे आगे कभी ना चले पहले वही चले फिर आप पीछे चले आजकल के बच्चों को ये वैल्यू सिस्टम दिया ही नहीं जाता है अनफॉर्चुनेटली uh -huh. तो मैं यही चाहूंगी अगर मेरी एजुकेशन सेक्टर में पोस्टिंग हो uh -huh. तो मैं एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म लाना चाहूंगी क्योंकि वो है जो हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकती है, है, है कतई ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन ही पकाएं आजकल मर्द हज़रत भी पकाते हैं और अच्छा पकाते हैं अच्छा पकाते हैं मैं ऑमलेट अच्छा बड़ा अच्छा बनाता ये बताइएगा हमें कि जब आपको कभी दिल करता है कि अपने लिए या अपने अबू के लिए अम्मी के लिए कुछ पकाएं कुछ आ, अच्छी डिश उनके लिए तैयार करें तो कौन सी ऐसी डिश है जो आप बहुत लजीज बनाती हैं बहुत अच्छी बनाती हैं तो मेरा एक ही डिश है जो मैं हमेशा बनाती हूँ यूनिवर्सल डिश है मेरी गाजर का हलवा <laughs> उसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है पकाना मैं कुकिंग पे अपना हैंड ट्राई करूंगी जी, अब आपके पास वक्त है, एक सवाल मेरा रह गया जो मैं पूछना चाहूंगी आपसे क्योंकि आप जॉब भी कर रही थी और प्रिपरेशन भी कर रही थी बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो एक ही चीज में लग जाना है ये बताइएगा कितना मुश्किल है मैनेज करना और क्या जरूरी है कि हमने सिर्फ इसी पे फोकस्ड रहना है हमने बाकी सारे ਉਛੋੜ ਦੇਣਾ नहीं मुझे लगता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में एक बैकअप जरूरी होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टन एग्जाम है right. आप अपने सारे एफर्ट्स भी पुट कर सकते हैं लेकिन एंड पे आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा तो दैट इज वेरी हार्ड ब्रेकिंग और करियर के हिसाब से भी बहुत रिस्की okay. है बैकअप प्लान होना, होना चाहिए साइड बाई साइड मास्टर्स कर ले या जी, जी. कोई जॉब छोटी सी जॉब ही कर ले फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ठीक यानी तैयारी में उतनी रुकावट नहीं आती जी वो कहते हैं ना कि हमने सारे अंडे एक ही

फ्रेंड को, कजन को कज़न फ़ोन करती थी, या थोड़ा सा कम हो जाए। इसी इजाफा करना चाहूंगी आपने डीमोटिवेट का लफ्ज इस्तेमाल किया बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेहनत करवाए था ऑलरेडी मेरे पास एक जॉब है तो उस चीज के लिए आप क्या करती थी खुद को वापस से मोटिवेट करने के लिए प्लस एंटरटेन करने के लिए एंटरटेन करने के लिए मेरे सब छोटे कजन है इकट्ठे बैठते हैं और okay. मेरा एक छोटा कजन है शहीन सबको इमिटेट करता है, okay, है। okay, तो उससे okay, एंटरटेनमेंट okay. हो जाती है right. इन दिनों भी वो सबको इमिटेट ही कर रहा था मेरे घर पे mm -hmm. ही था तो एंटरटेनमेंट फुल ऑन थी हमारे घर पे okay. और इसके अलावा कि कैसे मोटिवेट होना चाहिए जब आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं तो जब आपने गोल सेट कर लिया कि आपको करना ही है तो फिर आपको चैन नहीं आता है तो आपको फिर ऐसे रहता है कि नहीं वो गोल तो अचीव करना ही करना ही है। करना है और प्रोग्राम के आगाज से ही आज इसी पर बात हुई कि अगर आपने कोई टारगेट फिक्स किया है अगर आप फोकस्ड हैं मेहनत कर रहे हैं इरादे मुसमम है तो आपको वो टारगेट हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर आप प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके घर वालों का को बहुत-बहुत मुबारकबाद नाजी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े रहे आज भी गुड मॉर्निंग जंग के प्रोग्राम के शुर्ये में हमारे साथ आपसे ही दरखास्त आपसे ही गुजारिश कि मास्क का इस्तेमाल करें हाथों को सैनिटाइज करें बार बार बच्चों को ढेर सारा प्यार दे बुजुर्गों और खुवान का एहतराम करें हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा